प्रकृति हमारी सारी नैसर्गिक जरूरतों का ख्याल रखती है। हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रकृति उसे भी स्वीकार कर लेती है। लेकिन हम अक्सर अपनी लालच के चलते प्रकृति की सहनशीलता का इम्तिहान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति की वजह से हम हैं। अगर हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की तो हमारा अंत निश्चित है। आज भी समय है कि संभल जाएं और मिलकर खूबसूरत बनाएं ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। पाकिस्तान में चीन के कॉन्सुलेट पर हमला, 5 की मौत। चीन ने कहा ऐसे हमलों से नहीं होंगे रिश्ते खराब। अफगानिस्तान में भी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आतंकी हमला, 55 लोगों की मौत। खशोगी हत्याकांड की जांच संदेह के दायरे में, तुर्की ने सऊदी अरब पर सहयोग ना देने का लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग। राष्ट्रपति ट्रंप पर सऊदी अरब के खिलाफ कदम उठाने का दबाव, लेकिन ट्रंप ने कहा सऊदी अरब के साथ कारोबारी रिश्ते काफी अहम। और 2017 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। उत्सर्जन में कटौती के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील। पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो कहर ढा सकता है मौसम का मिजाज। शुक्रवार को पाकिस्तान में 2 आतंकवादी हमले हुए। इन हमले में 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पहला हमला कराची में चीनी कॉन्सुलेट में हुआ, जबकि दूसरा हमला ओराकजाई में हुआ। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने इन हमलों की निंदा की है। कराची में शुक्रवार को 3 आतंकवादी चीन के कॉन्सुलेट में घुस आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में वहां सुरक्षा के लिए तैनात 2 पुलिस वालों को जान से हाथ धोना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी भी मारे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले की निंदा की, लेकिन कहा कि उन्हें इस तरह के हमले की आशंका जरूर थी। जो ओराकजाई में हुआ बाद में, हमें पहले से इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। ये कोई एक सरप्राइज नहीं हुआ, ये नहीं पता था कि किधर करेंगे, लेकिन हमें ये इंडिकेशन थी। ख़ास तौर पे ये चाइनीज़ का जो हमारा चाइना का दौरा था, और जिस तरह की चाइना के दौरे में हमारी एग्रीमेंट साइन हुई, और सबको पता है हम क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल थी चीज़ें, हम पब्लिक में बता नहीं सकते कि जो चाइना का दौरा था उसकी डिटेल्स क्या थी, लेकिन सारे इंडिपेंडेंट लोगों को पता था, चाइना में लोगों को पता था, बाहर की दुनिया को पता था कि इस तरह की कभी भी पाकिस्तान के साथ किसी भी मुल्क की इस तरह की अग्रीमेंट्स नहीं हुई जो हमारी चाइना में हुई थी। इस हमले की जिम्मेवारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इस बीच चीन ने हमले की निंदा की, लेकिन कहा कि इससे पाकिस्तान और चीन के बीच जो कारोबारी रिश्ते कायम हुए हैं उन पर कोई आँच नहीं आएगी। चीन पाकिस्तान के साथ CPEC परियोजना पर काम करता रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि इससे दोनों देशों की जनता को लाभ मिले। शुक्रवार को जिस वक्त कराची में हमला हुआ, लगभग उसी वक्त पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके ओराकजाई के बाजार में एक फिदायीन हमला हुआ। इस विस्फोट में करीब 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। जब हमला किया गया तब लोग त्योहारों की खरीदारी कर रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है। यह इलाका अफगानिस्तान सीमा के पास पड़ता है और यहाँ बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच अफगानिस्तान में भी आतंकी हमले तेज हो गए हैं। मंगलवार को काबुल में आयोजित एक मजलिस में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई। जिस तरह से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि अगले साल होने वाले चुनाव में अफगानिस्तान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हमले से दहल उठी। इस बार चरमपंथियों के निशाने पर थी धार्मिक नेताओं की बैठक। 20 नवंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के मौके पर मौलवियों की आयोजित एक सभा पर आत्मघाती बम हमले में कम से कम 55 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए।
हमले की तस्वीरों ने सबका दिल दहला दिया। पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर हमने ऐसे हमले की घटना के बारे में कभी नहीं सुना था। पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर हमला अमानवीय है। हाल के दिनों में काबुल में हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। हमले के वक्त परिसर में करीब 1000 लोग मौजूद थे। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अफगानिस्तान में पिछले कुछ साल में आईएस और तालिबान ही इस तरह के हमले करते आए हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को खुरासान के नाम से जाना जाता है। हालांकि तालिबान ने इस हमले में हाथ होने से इनकार किया है। हमारी टीम होटल के अंदर है और अभी हमले की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान को आतंकवाद से आजाद कराने और शांति स्थापित करने की कोशिशें कई साल से जारी हैं। वहीं बढ़ती हिंसा को देखते हुए एक विशेष अमेरिकी दूत ने भी कतर में तालिबान के अधिकारियों से मुलाकात की और उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान में अप्रैल 2019 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले तालिबान के साथ शांति समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। I know that the government of Afghanistan wants peace. अफगानिस्तान सरकार शांति चाहती है। तालिबान को भी विश्वास है कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका भी शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है। इस महीने अफगानिस्तान में शांति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास होते दिखे। इसी के तहत रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि तालिबान प्रतिनिधियों ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के अलावा इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और कुछ और देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। जो आतंकी इस्लामिक स्टेट के झंडे तले काम कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया में अपने गढ़ के रूप में बदल देना चाहते हैं। ये इस क्षेत्र के हर देश का कर्तव्य बनता है कि वो आतंकवाद को हटाने में अफगानिस्तान की मदद करे। इस हमले के बाद एक बार फिर इन कोशिशों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी सैनिक 17 साल से अफगानिस्तान में तैनात हैं, लेकिन अभी तक इसे आतंक से मुक्ति नहीं मिल पाई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही अफगानिस्तान जाकर वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों से मिल सकते हैं। थैंक्सगिविंग टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात का संकेत दिया। हम जीत रहे हैं, आपकी पहचान अविश्वसनीय है। जब आप देश वापस जाएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा, या हो सकता है कि मैं आपसे वहां आकर मिलूं। हालात ये है कि अफगानिस्तान में हमलों का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा ये कहना मुश्किल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकित और चरमपंथ से प्रभावित शहर कहा जाता है। साल 2018 में अब तक यहां 20 से ज्यादा आत्मघाती हमले हो चुके हैं। लाखों की संख्या में आम लोग खाने पीने जैसी जरूरी चीजों के लिए भी जूझ रहे हैं। 2014 में विदेशी युद्ध सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से तालिबान की ताकत और इसकी पहुंच बढ़ी है। इस्लामिक स्टेट भी बड़ा खतरा बनकर उभरा है। काबुल के जैसे हालात हैं, ऐसे में यहाँ निकट भविष्य में शांति बहाल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। बात यहां पर अटकी है कि इस कांड में सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का हाथ है या नहीं। अमेरिका में भी परस्पर विरोधी खबरें हैं। CIA की जांच प्रिंस सलमान की ओर इशारा करती है, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रिंस सलमान को क्लीन चिट दे रखी है। लेकिन ट्रंप पर सिनेट की तरफ से फिर से जांच कराने और सऊदी अरब के खिलाफ कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को करीब 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों का पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में हत्या में सऊदी प्रिंस सलमान का हाथ होने से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक प्रिंस सलमान के शामिल होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उन्हें हत्या की पूरी रिपोर्ट का इंतजार है। इसी बिना पर उन्होंने सऊदी अरब पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने से भी इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है और वो अमेरिका से $400 बिलियन की हथियार डील कर रहा है।
उन्होंने कहा कि वो खशोगी की हत्या के सिलसिले में 17 लोगों पर प्रतिबंध लगाकर पहले ही कदम उठा चुके हैं। मेरे लिए सबसे पहले अमेरिका है। हम अरबों डॉलर की डील चीन या रूस जैसे किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देंगे। अगर हम सऊदी अरब से अलग हुए तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। मैंने दामों को संभाल रखा है, इसमें सऊदी अरब ने साथ दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते खराब नहीं किए जाएंगे। हालांकि खशोगी मामले पर उन्हें अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है और विरोध का ये दबाव बढ़ रहा है। मंगलवार को सीनेट की विदेशी मामलों की कमेटी ने एक पत्र भेजकर ट्रंप प्रशासन से खशोगी हत्याकांड की दोबारा जांच कराने की मांग की। ये मांग ग्लोबल मैग्निट्स्काई ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत की गई, जिसमें सरकार को 120 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। कुछ सेनेटर तो ट्रंप परिवार के सऊदी अरब से रिश्तों की जांच की मांग भी कर रहे हैं। तूल पकड़ते देख इस मामले को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने संभालने की कोशिश की। ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी कि हम राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाएं। राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के सऊदी अरब से रिश्ते बने रहेंगे और वो हमारे अहम सहयोगी हैं। इस बीच तुर्की ने संकेत दिए हैं कि वो खशोगी हत्याकांड की जांच संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में कराने की मांग कर सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत काबलूसोग्लू ने कहा है कि तुर्की को हत्या की जांच में सऊदी अरब से पूर्ण सहयोग नहीं मिला। इस प्रश्न का अब तक जवाब नहीं मिला है कि इसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर हत्या हुई। सऊदी अरब से उतना सहयोग नहीं मिला है जितनी हमें आशा थी। अगर जांच एक जगह आकर रुक जाती है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जांच करानी पड़ सकती है। सऊदी अरब ने खशोगी की हत्या के लिए कुछ लापरवाह एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इसमें प्रिंस सलमान का कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया कहती आई है कि हत्या प्रिंस सलमान के इशारे पर की गई है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के रिश्तों को बचाने में जुटे हैं। ये बात और है कि उन पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ रहे हैं। अभी जर्मनी ने घोषणा की है कि वो सऊदी अरब को हथियार नहीं बेचेगा, यानी ट्रंप के लिए एक और सीख। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती देशों की खस्ता हाल आर्थिक और राजनीतिक स्थिति वहां के नागरिकों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है। एक अच्छे भविष्य की तलाश में वो अमेरिका आ रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति शुरू से ही शरणार्थी विरोधी रहे हैं। उनकी इस नीति ने हजारों बेघरों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। शरणार्थियों का एक और कारवां मेक्सिको के सीमावर्ती शहर तिजुआना पहुंचा। इन्हें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। यहाँ ये खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। छोटी से छोटी चीजों के लिए भी इन्हें लाइन लगानी पड़ती है। कैंप पहले से भरे हुए हैं, किसी के लिए सोने की जगह नहीं है, लोगों के हिसाब से खाना भी कम है। शरणार्थी कैंपों की स्थिति खराब है, लेकिन इन लोगों ने इतनी ज्यादा मुसीबत देखी है कि ये परेशानी उसके आगे कुछ नहीं है। हम अपने सफर के दौरान सड़कों के किनारे और खेतों में सोते आए हैं। मैं इस कैंप में सुकून महसूस कर रहा हूँ। कम से कम यहाँ घास तो है। इन शरणार्थियों का एक ही मकसद है, अमेरिका पहुंचना, लेकिन ये आसान नहीं है। अमेरिकी सरकार ने मेक्सिको के साथ लगी सीमा पर और ज्यादा कड़े पहरे लगाने के लिए सेना भेजने की बात की है। फिर भी शरणार्थियों की संख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। जब से मध्य अमेरिकी देशों के लोगों का आना शुरू हुआ है, अमेरिका ने कड़ा रुख अपना रखा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे आक्रमण का भी नाम दे डाला है। उन्होंने मेक्सिको सरकार पर दबाव डाला, उन्होंने सेना भेजने की भी बात की, लेकिन यहाँ लोगों की दयनीय स्थिति देखिए,
क्या ये आपको आक्रमण लगता है? अमेरिका के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कारवां में शामिल अधिकतर लोग अमेरिका में बसे अपने परिवारों के साथ आकर रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। इनमें से अधिकतर लोग गरीबी की वजह से आ रहे हैं या अमेरिका में अपने परिवारों से मिलना चाहते हैं। अमेरिका कानून के मुताबिक रोजगार के लिए अपने परिवार से मिलने और अकारण यहां रहने के मकसद से शरण नहीं मिल सकती। मध्य अमेरिकी देश जैसे होंडुरास, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला में आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। यहाँ के नागरिक चिली और ब्राजील जैसे देशों में भी जा रहे हैं, लेकिन इन देशों की भी आर्थिक स्थिति शरणार्थियों का बोझ संभालने लायक नहीं है। ऐसे में ये शरणार्थी एक झुंड में अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें ही कारवां का नाम दिया गया है। इस कारवां का सबसे अहम पड़ाव मेक्सिको की सीमा होती है, जहां से इन्हें अमेरिका में प्रवेश करना होता है। हालात ये हैं कि अमेरिका इन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ इन शरणार्थियों के लिए वापस देश लौटना विकल्प ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। जब बन ले तू तब और कर ले इरादा। भारत से हमारा रिश्ता ये है कि जब यहाँ आता हूँ तो लगता है घर पहुंच गया। अगर हम अपना संस्कृति हम भूल गए तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम है कौन। वी विल बिकम अ काइंड ऑफ कॉपी, किसी ने कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमको उस देश में, तो वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन हॉलैंड से, आप मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। क्या आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस का सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है? एक सीमा तक इसका उत्सर्जन ठीक है क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है, लेकिन जब इसका स्तर हद से पार हो जाए तो कयामत भी आ सकती है। हाल के सालों में कुछ ऐसा भी हुआ है। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खतरे के निशान को पार कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इन तस्वीरों में छाए धुंध और इन चिमनियों से निकलते धुएं से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमने वातावरण में कितना जहर घोल दिया है। यूएन वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में हमने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले साल इस जहरीली गैस का स्तर 405.5 पार्ट्स पर मिलियन रहा, जबकि 2016 में ये 403.3 पार्ट्स पर मिलियन था। 2017 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 405.5 पार्ट्स पर मिलियन हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। इस बीच मीथेन का उत्सर्जन 1,859 पार्ट्स पर बिलियन और नाइट्रस ऑक्साइड का 329.9 पार्ट्स पर बिलियन हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की ये दर 5.5 करोड़ सालों में सबसे तेज है। अगर औद्योगिक युग से पहले की बात करें तो ये 46% ज्यादा है।
1985 से जब से हमने रिकॉर्ड्स रखने का नेटवर्क स्थापित किया है, तब से 60 पार्ट्स पर बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि औद्योगिक पूर्व युग से अब तक की आधी है, और ये बढ़ोतरी पिछले 30 सालों में हुई है। ये बहुत चिंताजनक बात है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये पृथ्वी के वातावरण में रहकर पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करने में भूमिका अदा करती है। अगर इस गैस की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। तापमान में ये बढ़ोतरी सीधे मौसम के मिजाज पर असर डालती है, जैसे तूफान का आना, जरूरत से ज्यादा बारिश होना और हिमखंडों का पिघलना। मॉनसून पर असर डालने वाला अलिनो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी का परिणाम होता है। हमें इस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। पिछले साल हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.2 पार्ट्स पर मिलियन की बढ़त दर्ज की, जो कि अलिनो के बावजूद आई थी। अमूमन जब अलिनो आता है तो बढ़ोतरी की दर कम होती है, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अब भी 10 साल के औसत के बराबर बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। And that is quite alarming. 2017 में हुई कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि आशा से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि इस साल मौसम को अलिनो प्रक्रिया ने काफी प्रभावित किया, और माना जाता है कि जिस साल अलिनो का प्रभाव रहता है उस साल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी की रफ्तार कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र सभी देशों से पेरिस समझौते पर अमल करने की दिशा में कदम उठाने की बात कह रहा है। उसे विश्वास है कि इस मसले पर राजनीतिक मतभेद राह का रोड़ा नहीं बनेंगे। हमारे पास जितनी जानकारी है, जितने वैज्ञानिक हैं और जितनी नीतियां हैं, उनके बिना पर हम कह सकते हैं कि हम इस समस्या से निपट सकते हैं। अगर हम दूर भविष्य की बात करें तो हमें राजनीतिक विरोध की चिंता नहीं है। 2015 में अमेरिका और चीन सहित करीब 125 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पृथ्वी के तापमान को औद्योगिक युग से पहले के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने की बात की गई थी। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से अमेरिका को बाद में अलग कर लिया था, लेकिन बाकी बचे देशों की अब भी यही कवायद है कि पृथ्वी के तापमान को कैसे कम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया के कुछ दूसरी अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए संकट और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सख्ती के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $1.66 अरब की सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं करता। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का पाया जाना और अफगानिस्तान के हालात इसके सबूत हैं। नतीजतन उन्होंने पाकिस्तान को दी जा रही करोड़ों डॉलर की सालाना मदद रोक दी है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए कार्लोस घोष को निशान बोर्ड ने चेयरमैन के पद से हटा दिया है। 64 साल के कार्लोस करीब 17 साल से जापान की कार कंपनी निशान का नेतृत्व कर रहे थे। कार्लोस घोष को जापान के वित्तीय कानून के उल्लंघन, भ्रष्टाचार और आय छिपाने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कंपनी के पैसे का इस्तेमाल निजी कार्यों के लिए किया। विसिल ब्लोअर की शिकायत मिलने के बाद कार्लोस के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। कार्लोस की गिनती जापान के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में होती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। बट काउंटी अग्निशमन विभाग की ओर से फेसबुक पर दी गई जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर से लगी आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि वे 30 नवंबर तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे। इस आग को कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे जानलेवा आग माना जा रहा है। इस आग ने 150,000 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण हजारों लोग बेघर हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया प्रांत के जंगलों में लगी आग से तबाह हुए क्षेत्रों का शनिवार को दौरा किया था। उन्होंने इस त्रासदी के लिए फिर वन विभाग के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान निवेश, खनन, कृषि, शोध और शिक्षा समेत 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। दोनों देशों ने आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर दिया है। राष्ट्रपति कोविंद की प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से सिडनी में मुलाकात भी हुई। दोनों देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पहले वियतनाम भी गए। राष्ट्रपति कोविंद ने गुरुवार को सिडनी में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और संघर्ष के इस दौर में अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के संदेश को अधिक प्रासंगिक बताया। चीन ने प्रदूषण को लेकर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। पिछले 10 महीने में प्रदूषण संबंधित अपराधों में यहां 3,500 लोगों को सजा दी गई। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या 40% ज्यादा है। चीन की सरकार ने प्रदूषण को लेकर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है। सजा पाने वाले लोगों से $1.53 बिलियन का जुर्माना भी वसूला गया है। पिछले साल एक भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार बेहद कठोर कदम उठाने जा रही है। और अब एक नजर कुछ ऐसी खबरों पर जो दिलो दिमाग को कुछ ताजा कर जाएं। आइए देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। अंग्रेजी के सबसे बड़े उपन्यासकारों में से एक चार्ल्स डिकेंस का वो पोर्ट्रेट मिल गया है जो 150 साल पहले खो गया था। आमतौर पर दाढ़ी के साथ उम्र दराज डिकेंस की तस्वीरें ही लोगों के सामने आई हैं, लेकिन इस तस्वीर में वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। ये पोर्ट्रेट 1843 में मार्गरेट गिलीस ने बनाया था। उस वक्त चार्ल्स डिकेंस 30 साल के थे और इस दौरान वो अ क्रिसमस कैरल लिख रहे थे। ये पोर्ट्रेट चार्ल्स डिकेंस की आम छवियों से अलग है। 150 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के बाजार में ये पोर्ट्रेट मिला। इस पोर्ट्रेट की कीमत करीब $3,00,000 है। इस पोर्ट्रेट को चार्ल्स डिकेंस म्यूजियम में भी डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा। थाईलैंड के लोग इन दिनों एक अलग रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। राजधानी बैंकॉक में किंग महनखोन बिल्डिंग के रूफ टॉप पर लोग स्काई वॉक के लिए इकट्ठा हुए। शीशे की छत पर चलकर लोगों ने ऊंचाई के थ्रिल को महसूस किया और जमकर फोटो खिंचाई। यहाँ खड़े होकर देखने से कईयों को ऐसा लगा मानो सारा बैंकॉक उनके कदमों के नीचे आ गया हो। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ट्रे फ्लोर कहा जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। यहाँ पर एक रूफटॉप बार भी है। यहाँ से सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बोलीविया में दुनिया के सबसे बड़े चारकोइन को बनाने के लिए दर्जनों शेफ जमा हुए। इसे बनाने के लिए 500 किलो लामा मीट लाया गया, जिन्हें सैकड़ों अंडों, आलुओं और कॉर्न के साथ मिलाया गया। बड़े चाप के साथ बनाई गई इस डिश को चखा राष्ट्रपति इवो मुलार्स ने भी और उनकी तरफ से लजीज व्यंजन को थम्स अप भी मिला। स्थानीय मेले में इसका आयोजन किया गया। बोलीविया के लोगों का मानना है कि लामा में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन बाकी देशों में इसे इस्तेमाल में बहुत कम लाया जाता है। 23 तारीख को ब्लैक फ्राइडे के दिन दुनिया भर के शॉपिंग फ्रीक्स दीवाने हो गए। ब्लैक फ्राइडे के मौके पर चीन, अमेरिका स्थित कई देशों में शॉपिंग के जबरदस्त ऑफर्स दिए गए। दुकानों में भारी भीड़ उमड़ी। यहां तक कि भारत में भी ब्लैक फ्राइडे के दिन बड़ी कंपनियों ने ऑफर्स दिए। हालांकि ब्लैक फ्राइडे दुनिया में एक काले दिन के बतौर दर्ज है। ब्लैक फ्राइडे का नाम सबसे पहले 24 सितंबर 1869 में सुना गया था। उस समय यह खरीदारी का नहीं बल्कि आर्थिक मंदी को दर्शाता था। 1869 के सितंबर के उस शुक्रवार के दिन स्टॉक मार्केट ठप हो गया। तब से वो दिन काले अक्षरों में लिख दिया गया और नाम पड़ा ब्लैक फ्राइडे। लेकिन अब लोगों के लिए ये शॉपिंग का सुनहरा मौका बन चुका है। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम हमेशा इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।